हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और हम लोग फोन से सोच रहे थे कुछ अपग्रेड करने का, क्योंकि हम लोग शूट भी करते हैं फोन से और एडिट भी करते हैं फोन से, जिससे हम लोग का फोन पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन था, चाहे तो एक लैपटॉप ले अच्छा, या फिर एक कैमरा गियर ले। तो और हम लोग का बजट था अराउंड 30-35 के, मगर शूट हम लोग फोन से कर ही ले रहे थे, इसलिए हम लोग ने सोचा कि एक पीसी बिल्ड किया जाए, क्योंकि लैपटॉप 30-35 के अंदर अच्छा आएगा नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपना नया पीसी। इसमें लगा है AMD का Ryzen 5 3400G, जो आता है एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ Vega 11, जो ऑलमोस्ट GTX 1030 के बराबर होता है। मदरबोर्ड के लिए हम लोग ने सेलेक्ट किया है Gigabyte का A320MH मदरबोर्ड। रैम के लिए हम लोग ने सेलेक्ट किया है Starlight का DDR4 8GB का रैम। इन फ्यूचर हम लोग 8GB का एक और रैम लगाएंगे, तो टोटल 16GB हो जाएगा। एंड फॉर द स्टोरेज हम लोग ने इसमें एक SSD लगाया है 240GB का, और मेरे पास एक पहले से 500GB का SSD था, वो भी मैंने इसमें लगाया। एंड फॉर द केस हम लोग ने सेलेक्ट किया है इसमें जेवरोनिक्स का कोरोनस मॉडल, जो कि एक ट्रांसपेरेंट केस है विथ 4 RGB फैन, और ये बजट सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट केसेस है जो आपको मिल सकता है। और पावर सप्लाई के लिए हम लोग ने सेलेक्ट किया है जेवरोनिक्स का 500W का पावर सप्लाई, जो इस पूरे पावरफुल मशीन को सप्लाई दे। एंड फॉर द ग्राफिक कार्ड हम लोग ने अभी तक इसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया है, क्योंकि ड्यू टू माइनिंग ग्राफिक कार्ड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो ग्राफिक कार्ड 12,000 का था, वो अभी 17-18,000 में मिल रहा है, तो हम लोग ने अभी ग्राफिक कार्ड को ड्रॉप कर दिया है। इन फ्यूचर जब प्राइस लो होगा तब हम लोग ज़रूर इसमें ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, मगर वैसे भी विदाउट ग्राफिक कार्ड इसमें आप सब चीज़ आराम से कर सकते हैं, गेमिंग आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी लैग। इसका जो प्रोसेसर है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है जो आपका हर एक वर्क अच्छा से कर देगा। Guys, please, let's camp. Let's not push. Bro, don't camp. Let's push. That's why you're fucking losing. Let's not push. Hey, Brian, preventing your pushing. What the heck? और जाते हैं बजट के ऊपर।
तो हमारा प्रोसेसर राइजन 5 हमें पड़ा 14691 गीगाबाइट का, जो मदरबोर्ड हम लोग लगाए हैं उसका पड़ा 4484, स्टारलाइट का 8GB रैम हमें पड़ा 3867, किंगस्टोन का SSD जो था वो पड़ा 2982, कोरोनास जेब्रोनिक्स का जो ये केस है वो पड़ा हमें 2850, और जेब्रोनिक्स 500W जो सप्लाई पावर है वो हमें पड़ा 3159 रुपीज़। तो इन टोटल हम लोग का पड़ गया 32,033 रुपीज़। और इसमें नोट करने वाली ये बात है कि ये सब मैंने एक फिज़िकल स्टोर से लिया है, दुकान दुकान घूम के देखा है, जहाँ पे मुझे सस्ता पड़ा मैं वहाँ से लिया। ऑनलाइन प्राइसेस इसलिए आपको हाई मिलेगा क्योंकि राइजन का 15,000 कहीं 17,000 ऐसा प्राइस है, मुझे 14,000 में मिल गया, तो इट वॉज गुड फॉर मी। अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जा सकते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन स्टोर से ही लें, क्योंकि वहां पे आपको दाम नेगोशिएबल भी होता है और आपको सस्ता मिल भी जाएगा। ऑनलाइन थोड़ा प्राइस अभी हाई है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। और अब जितना भी कंटेंट आएगा, जितना भी वीडियो आएगा, सब इसी PC से एडिट होगा और पहले से क्वालिटी और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। सो ऑन दैट नोट, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।